नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं। आज है 7 मार्च 2019 और अब तक का जो करंट अफेयर रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना भी बिल्कुल भी न भूलें। चलो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाल ही में कौन सी योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर रहेगा प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन जैव इंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण के हेतु योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर रहेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 2 वोट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपये है। तो हमारा आंसर रहेगा चीन ने बनाई है। चीन ने हाल ही में दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपये है। इस इमारत को 4 बिल्डिंगों के ऊपर बनाया गया है। चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम है चोंगकिंग, ये भी हमें याद रहना चाहिए। तो बात आई है चीन की, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का सबसे बड़ा नगर की यदि बात करें तो संघाई है। और चीन के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री एट प्रेजेंट है ली क्विंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से किसने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर रहेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति से वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार और किसने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है। तो हमारा आंसर रहेगा एडीबी ने ऋण समझौता किया है। तो सबसे पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि एडीबी की फुल फॉर्म क्या है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और शहर स्वच्छ होगा, साथ ही मुंबई जैसे शहर में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। तो बात आई थी एडीबी की, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में और इसमें लगभग 67 देश हैं और इसका मुख्यालय है मडलुयोंग फिलीपींस में और एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष है ताकिहिको नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम टेस्ट में एक पारी में 700 से ज़्यादा रन बनाने वाली 7वीं टीम बन गई है। तो हमारा आंसर रहेगा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हाल ही में टेस्ट के एक पारी में 700 से ज़्यादा रन बनाने वाली 7वीं टीम बन गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का यह टेस्ट में सबसे अधिक स्कोर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में एक पारी में 6 विकेट पर 715 रन बनाकर पारी घोषित की है। न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है ओकलैंड और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री है जेसिंडा ऑर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए तैयार करने के लिए किसने सेट्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर रहेगा प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सेट्स स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कर उन्हें कौशल युक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान में हो रहे मकरान कप के बॉक्सिंग में पी ललिता प्रसाद मनीष कौशिक
दुर्योधन सिंह नेगी, संजीत और सतीश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा सिल्वर मेडल जीता है। ललिता प्रसाद ने, पी ललिता प्रसाद ने 52 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि मनीष कौशिक ने 60 kg में, सतीश कुमार और संजीत ने 51 किलोग्राम में जीता है, दुर्योधन सिंह नेगी ने 69 किलोग्राम में ये सिल्वर मेडल जीता है। तो ईरान की बात आई है क्योंकि ये जो कप है ये ईरान में हो रहा है, मकरान कप। तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है हसन रूहानी और यहाँ की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिग्नल चिप के द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को हाल ही में किसने जारी किया है? तो हमारा आंसर रहेगा अरुणा सुंदर राजन। भारत के दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन ने हाल ही में नई दिल्ली में बेंगलुरु में स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप के द्वारा 4G LTI और 5G NR मॉडम्स के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्षों के लिए हाल ही में किसने यस बैंक के MD और CEO का पद संभाला है? तो हमारा आंसर रहेगा रवनीत गिल ने संभाला है। हाल ही में रवनीत गिल ने 3 वर्षों के लिए राणा कपूर की जगह यस बैंक के MD और CEO का पद संभाला है। उनके कार्यकाल को भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। एक मार्च 2019 से 28 फरवरी 2022 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उल्लेखनीय उपलब्धियों हेतु स्कोच पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर रहेगा ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया है। 4 मार्च 2019 को ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए स्कोच पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार OSDMA को 879 बहुउद्देशीय चक्रवात और आश्रय निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ओडिशा के 1999 की सुपर साइक्लोन के बाद आपदा प्रबंधन को जोखिम संबंध में एक मॉडल राज्य की मान्यता भी प्रदान करता है। इसे ध्यान देना चाहिए कि स्कोच ग्रुप वर्ष 1996 में स्थापित थिंक टैंक है जो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। तो बात आई थी ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के एट प्रेजेंट गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा 3 मार्च को आयोजित किया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2013 में वन्य जीव दिवस को अपनाने संबंधित प्रस्ताव के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। यह दिवस वन्य जीव को वनस्पतियों के विविध रूपों को संरक्षण प्रदान करने और नागरिकों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है? तो हमारा आंसर रहेगा ग्वालियर। 3 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुल 170.99 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने संबंधित प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। खेल केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 के बजट में सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना की घोषणा की थी। तो हमारा आंसर था ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है इंदौर और यहाँ के राज्यपाल एट प्रेजेंट है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री है कमलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में दिहाड़ी व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर रहेगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात राज्य के महसाना में दिहाड़ी व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हर माह पेंशन देने के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को देश के हर जिले में एक साथ शुरू किया जाएगा। तो हमारा आंसर था गुजरात। तो गुजरात से संबंधित जानकारी जान लेते हैं।
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के 8% मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। और राज्यपाल की यदि बात करें तो राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।